दोस्तों घूर रहे सबको पप्पू को इसके बाद सुन रहे गाइस बर्थडे वाले दिन 12 बज गए। मेरी और डैडी की थोड़ी सी फाइट चली थी लेकिन भाई तो भाई होते हैं ना तो केक लेकर आए वाली रात मैं तो पता लग गया था लड़ाई भी है तो भाई है आपको बताओगे सब आ रहा है ना वीडियो में। हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे डियर डैडी हैप्पी बर्थडे टू यू सिद्धू बहुत तेज हो तू मियां जिनका बर्थडे उनको नींद आई हम अपना फन टाइम खाए हुए हैं। ये मनमीत ने एकदम सही जवाब बोला। हेलो दोस्तों गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू माय चैनल आर चैनल सिम्बा पॉपकॉर्न एंड डैडी। सुबह सुबह का टाइम है और घर में बज रहे हैं 2:30। सुबह सुबह का टाइम नहीं है दोपहर का टाइम है। नहा धो के मैं गुड गुल बन गई हूँ जैसे आप देख सकते हो और डैडी अपना कुछ काम कर रहे हैं लैपटॉप पे। आज है डैडी का बर्थडे ऑफिशियल बर्थडे। हैप्पी बर्थडे डैडी। डैडी मीन्स मेरा लवली हस्बैंड। बर्थडे विश तो बनता है। और जैसे कि मैं थोड़ा सा डाइट कॉन्शियस चल रही हूँ तो ज़्यादा हम बाहर नहीं जाएंगे इसीलिए बस ऐसे ऐसे ही हूँ मैं। इट्स ओके कभी कभी होता है सह लेते हैं। चलो एनीवेज कैमरा मेन मैंने इसलिए ऑन करा है मुझे बहुत टाइम पहले भी किसी मेरे सब्सक्राइबर ने बोला था कि हनुमान जी के जो नाम है वो मुझे बताओ तो मैं आज ऐसी बस बैठी हुई थी आज फ्री थी पाठ कर रही थी तो मैंने एकदम कैमरा खोल लिया उसके बाद ही ताकि मैं भूल ना जाऊं दोबारा। आई एम सॉरी मैंने डिले कर दिया क्योंकि मैं बहुत बिजी चल रही थी इधर जेम सिम्बा पॉपकॉर्न फिर मेरा ऐसी फ्री थी हनुमान जी की जय जय करी तो सोचा सबसे पहले बता ही दूं इससे पहले मैं भूल जाऊं और कोई काम मुझे देखो जैसे पप्पू भाव भाव कर रहा है अब उसको बुलाना भी मुसीबत है पहले उसको बुला के लाती हूँ। देखो कैसे बुलाती हूँ अलमारी खोलूंगी ट्रीट निकालूंगी फिर वो आएगा उसको जरा देखो बुला के लाती हूँ आएगा। और उससे पहले मैं इसको तोड़ देती हूँ इसको तोड़ना ही मुसीबत है क्योंकि दिन में ये कम से कम 3-4 खा रहा था और उसके साइज के हिसाब से बहुत ज्यादा है ये इसको तोड़ना भी मुसीबत होता है। One more. Great success. आओ पप्पू इधर आओ ऊपर बैठो ये लो देख रहे हो अपने आप आया भागा भागा ये लो पकड़ो बैठो चलो बैठो चलो सिम्बा को भी देख रही हूँ बैठ जाओ मुंह में है देखो इसकी किसको कुछ और मिलेगी पप्पू को ट्रीट दे दी थोड़ी सी शांति है कमरे में। और हनुमान जी के ये जो 12 नाम है ये मुझे मम्मा ने दिए थे और जब मम्मा भी बहुत ऐसे सैड थे मतलब क्या बोलूँ सबका एक ऐसा पॉइंट आता है तब किसी ने उनके फ्रेंड ने उन मम्मा को बताए थे तो मम्मा ने मुझे ऐसे बताए थे तो और लिटरली मैं कह रही हूँ पता नहीं वो कब बताए थे मुझे खुद ही याद नहीं 7-8 साल हो गए या 5-6 साल हो गए वो टाइम से लिटरली आज का टाइम है जब फ्यांशु आएगी प्लस वन में था हाँ प्लस वन प्लस टू में था या कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था तब से ये नाम मैं ले रही हूँ और लिटरली रेगुलर ले रही हूँ। अब तो फिर जब से शादी हुई है इतना रेगुलर नहीं ले पाती हूँ इतनी और चीज़ों में ऑक्यूपाइड हूँ लेकिन यकीन मानोगे गाइस ये जो हनुमान जी के नाम हनुमान जी तो वैसे ही बड़े हुए लेकिन जो ये स्पेशली नाम है ये लिटरली रामबाण है। तुम कुछ भी दिल से मांगो वो एक्चुअली पूरा कर देते। अगर मैं नहीं कहती इसे क्योंकि मैजिक हो जाता है या मिरेकल हो जाता है ऐसा कुछ नहीं है लेकिन तुम दिल में रखोगे तुम्हें देखोगे तुम्हें फर्क पता चल रहा है। मैं फिर बोलूंगी फ्यांशु ऐसा था मेरा छोटा भाई कि ओह मतलब मैं क्या ही बोलूं
दुनिया का सबसे नॉटीएस्ट चाइल्ड होगा, वो दुनिया का सबसे नॉटीएस्ट चाइल्ड. और फ्लांजू तो मेरा बेबी था, है, तो मुझे था कि अब तो सोचो सिर्फ भगवान नहीं बचा सकते हैं कि ये थोड़ी सी हमारी बातें सुन ले. अभी तो हंस रही हूँ, लेकिन मैंने बहुत श्रद्धा से नाम शुरू करा था. और यकीन मानोगे 6 महीने के अंदर, मैंने हिम्मत नहीं आ रही, 6 मंथ्स रेगुलर, 6 महीने के अंदर उसमें चेंजेस आने लगे. और वो चमत्कार कह लो या भगवान में विश्वास कह लो, कुछ भी कह लो, मतलब मैं तो भगवान में विश्वास करती हूँ, कुछ भी कह लो, वो एक्चुअली मुझे दिखने लग गया था. अब तो मैं उसके मुंह पे बोलती हूँ हनुमान जी के पाठ काम कर रहे हैं. उसको भी सिखाया, उसको भी याद है. वो मेरे साथ जब भी हमारे ऐसे कुछ वो होते हैं, सेंटी मोमेंट्स होते हैं या कुछ बड़ी अचीवमेंट होती है, तो हम दोनों नाम लेते हैं. इट इज़ अ गुड बॉन्ड एक्चुअली. चलो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, हनुमान जी के नाम पे अगर आपको है तो आप कॉपी पेंसिल ले लो. ये सारे हिंदी में नाम है. सबसे पहले है, मुझे भी ऐसे याद नहीं थे, याद है तो याद होते, बीच बीच में मुझे भी याद होते क्योंकि मैंने एकदम रट्टा मार लिया गुड गर्ल की तरह. सबसे पहले है हनुमान, अंजनी सुनु, वायुपुत्र, महाबल, रामेश, फाल्गुन सका, पिंगाश, अमित विक्रम, उदितिक्रमण, सीता शोक विनाशक, लक्ष्मण प्राण दाता, दश ग्रीव दोबरा. जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगा. लिटरली ये भगवान जी की ब्लेसिंग्स है. और ये मम्मी को भी किसी ने बताई थी, उन्होंने भी अजमाया हुआ था, उन्होंने मम्मी को बताया था. तो चलो जय हनुमान जी. एक्चुअली ये 12 नाम 11 बारी लो, मतलब इट इज लाइक फुल ऑन. बाद में हमेशा कंफ्यूज हो जाती है, 12 नाम 11 बारी ऐसे नहीं, 12 नाम 11 बारी लो, ग्रेट सक्सेस. हेलो दोस्तों, बस आज बहुत ही अजीब मिक्स्ड सा वो चल रहा है, मेरा मूड कह लो कुछ भी कह लो, ऐसे बस थोड़ा सा हैवी हो गए. कभी ऐसे होता है ना कि तुम लड़ना नहीं चाहते और फिर भी तुम लड़ लेते हो. गाइस इसका कुछ नहीं हुआ, अब इसका जो 16 साल का बॉयफ्रेंड था वो 34 का हो गया. तो इस औरत को वो हो रहा है, ये 34 का हो गया. अच्छा क्या होगा मेरा? तो उसी चक्कर में आज हम थोड़े से नहीं पता है. गाइस वी हैव टू दिस ईयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वी हैव टू मतलब थिंक अबाउट द जूनियर सुदन आल्सो. ठीक है, जूनियर सुदन या लड़की जो भी हो, भगवान जो देना चाहे, वी हैव टू थिंक अबाउट द जूनियर टू. एंड दैट्स इट गाइस. और इसे इस औरत को तो ये है ना, इसका बॉयफ्रेंड 34 का हो गया आज, तो वो भी थोड़ा बहुत गम लग जाता है ना इसको. बस मतलब कैमरा मैंने उठाया है आपसे बातें करने के लिए, अपना दिल हल्का करने के लिए, और भाई सब अपना ही शुरू हो गए. आज मेरे लवली हस्बैंड का बर्थडे है और कल से हम लड़ रहे हैं. क्या केशु को किशु? नहीं, इसमें कोई किशु नहीं है. अब मैं लड़ाई पता है फसल में लड़ाई छोटी छोटी बातों पे होती है. अभी भी इट इज लाइक 85% वी आर नॉर्मल. अभी भी है, देखो मेरी आंखें भी सूजी, आंखें तो सूजी है क्योंकि मुझे कोल्ड हो गया कल, मैं रात को नहाई थी. आप सबको एक बात बोला, एवरीबॉडी डू लव डॉटर्स. हाँ, अपने डॉटर्स को प्यार करो, और अपने डॉटर्स को इतना प्यार ना करो कि वो फालतू में लड़कों को, शरीफ लड़कों को धमकियां देना शुरू कर. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन जो यहां पर है. ठीक है, आई एम प्राउड कि मेरी मम्मी और मेरा भाई मुझे इतना प्यार करते हैं. थोड़ा पैचअप हो गया, ओप्स लाइट भी कम है. सिवा पॉपकॉर्न को गेड़ी में घुमा दिया है, ओप्स थैट ने ऑन कर दी सनशाइन. सिवा पॉपकॉर्न को हम गेड़ी पे लेके गए थे क्योंकि इसके बाद हमने डिनर पे जाना है. तो लेट्स सी कहाँ जाते, अभी प्लान नहीं करे. कोल्ड इतना हुआ है कि मुझसे तो सांस भी नहीं लिया जा रहा, और एडिटिंग करते वक्त इतनी आंखें भारी हो गई थी कि पानी निकल गया. चलो सिवा पॉपकॉर्न गेट पे घुमा दिया, इनको घर छोड़ेंगे. फिर सोच रही थोड़ा सा काजल लगा लूँ ताकि मेरी फोटोज अच्छी है, आफ्टर ऑल दादी का बर्थडे है. तो चलो पहले घर चलते हैं, अपने चुनू मुनू को छोड़ते हैं. इनको मजाक नहीं करी गाइस, कोई भी हमारा प्लान होते बाहर
पहले ही या बाद में जाने से दूर हम गेड़ी पे लेके जाते ताकि ये मेंटली सेटिस्फाइड हो जाए कि हाँ हम भी घूम आए हैं। तो चलो इनको घुमा लिए, घर चलते, काजल लगा लूंगी, देखो कहाँ जाते हैं, चलो घर में मिलते हैं। दोस्तों मैंने लगा लिए काजल, हंटेड एंड रेडी। डैडी का दिल है चाइनीज खाने का, देखो चाइनीज कहाँ खाते हैं। अच्छी लग रही हूँ, ठीक ठीक, सिर्फ फटाफट काजल लगाया, लिप बाम लगाई है बस। हैप्पी मी, चलो चलते हैं। मैंने छोटा सा स्लिंग, अच्छा लग रहा है, चलो। और आज मैंने डाले अपने ये वाले शूज गाइस, ये शूज मैं बहुत रेयर डालती हूँ, मुझे बड़े पसंद है, बड़े कंफर्टेबल है। मेरा काजल देख के डैडी ने भी शर्ट बदल ली। Once upon a time, there was a cliff. गाइस डैडी लड़की को वोट को ऑफर कर रहे हैं। नो आई एम ओके, मुझे कोल्ड हुआ है। कोल्ड हुआ है मुझे, नहीं आई डोंट वांट, मेरा हेडेक क्यों है। नहीं आई बस मींस मैं तपती हूं जो मुझे बस चाहिए होता है। या मैं नाच नहीं ना सकती। कंट्रोलिंग सो नो कोक नो वोडका नथिंग ओनली वाटर चीयर्स। और मुझे कोल्ड भी है इसलिए अभी मेरी आंखें देखो कितनी लाल लाल हुई हैं। इट्स ओके, सह लूंगी। हाथ धो दे दादी, चीयर्स। वैसे तो मेरा चॉपसी खाने का दिल कर रहा है, लेट्स सी। हम पहले हस्बैंड वाइफ होंगे जो बर्थडे वाले दिन लड़ लेते हैं। यकीन मानो लड़ लेते, मतलब लड़ लेते, ये हमें ज्यादा चिल्ला नहीं सकती। Show me silver and gold. Oh, he didn't need no reason more than the also please. दोस्तों सब चकाचक कर दिया, गौरव ये माइक लेकर आना चाहिए था ना, बर्थडे तो क्या हुआ, हरकतें तेरी सुधरेंगी नहीं यार। हम तो ना बाहर निकले थे गाड़ी में खाने के लिए, तो अपने काजल ऐसे ही लगाया था। तो मज़ा ही आ गया, मतलब वो मेरे डम्पलिंग्स वाले ऑर्डर करते, 1 2 3 आई गॉट 3 डम्पलिंग्स, यमी यमी। चीयर्स दोस्तों, सूप पीने का डिसीजन बहुत अच्छा रहा, गला खुल गया एकदम, बड़े
हैवी हार्ट के साथ मैंने सूप मंगवाया था, दिल तो पता नहीं क्या क्या था, लेकिन इट इज़ गुड, सूप अच्छा डिसीजन था मेरा, किया जा रहा है, गले को भी अच्छा लग रहा है, बहुत ही बॉय खाओ खाओ कर रहा है, तो मज़ा ही आ गया, मतलब आधा पी चुकी हूँ अपना सूप, मज़ेदार। लेट्स ट्राई डंपलिंग्स कैसे हैं दोस्तों, मैं दिल से बोलूँ यहाँ कर भी हेल्दी खाना, मेरे तो गले से ही उतरना, इट्स ओके, बहुत टेस्टी है, मतलब देसी हूँ ना मैं, डाइजेस्ट नहीं हो रहा। आई वॉन्ट जब तक फ्राइड स्नैक्स वो सब चीज़ें ना आए, इट्स ओके, आई एम इन्जॉइंग हेल्दी की शू। डैडी को अपना सूप उधार दे रही हूँ। ओह गिर गया। गैरी क्या कुछ आप बोलना चाहोगे हमारी एक बिग फाइट के बाद? प्लीज इतना स्टैंड लेने की कोई जरूरत नहीं रही। हमारी तो फाइट चल रही है गैरी, फाइट के बारे में मत बताओ, अच्छी बातें मत बताओ। दोस्तों मतलब फुल चकाचक, मतलब जरूरत ही नहीं है, और डैडी ने अपना ये छोड़ दिया। माय डैडी, डैडी से ओवर हो गया ये है ना। दोस्तों आंखें अच्छी लग गई, बोरिंग डैडी, आज डैडी को बोरिंग नहीं बोलना, डैडी का बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे डैडी, ट्रीट भी डैडी ही दे रहे हैं। आए मेरे को ये खाली पीली हंसता ही रहता है ये, गेरी थैंक यू बोल, मैं तेरी जिंदगी में आई हूँ, पहले अच्छे से बोल, एक वो दे मुझे गिफ्ट, वो क्या कहते हैं स्पीच, गिफ्ट स्पीच दे, मैं तेरी जिंदगी में आई हूँ। गेरी मेरे सब्सक्राइबर सुन रहे हैं, वेट कर रहे हैं। पे स्पीच मुझे घंटा भर नहीं पड़ता, इसने विशु के बाद जाके फिर सोने का कुछ ले लेना, ये इसमें कुछ तो तूने मुझे लेकर देना है, बहुत टाइम से पेंडिंग था, बहुत टाइम से तूने मुझे क्या बना कर देना है। हाँ घूर के था, ओ यार घूर से मैंने बोला कि मैं पैरों में काला धागा डालती हूँ, उसको इतनी इरिटेशन होती है मैं बता नहीं सकती, कहते इसको निकाल दूँ, मैंने कहा इसको निकाल दूँगी जब तू मुझे घुंघरू वाला गोल्ड में बना कर देगा तब। गाइस फाइनली डैडी का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे बोल, आज मैं ऑफिशियली कहती हूँ आई लव यू, सुपर यमी। तो ये लड़का हंस रहे क्यों? क्योंकि मैं बॉटल उठा ली, 300 रुपए की है ये बॉटल, इमेजिन। वेटिंग फॉर द कार, आगे 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 आगे, चलो चलो घर चलो। तो मैं मजाक नहीं करी, लिटरली मैं वॉशरूम गई हूँ और इस लड़के ने मेरा 300 रुपए का नुकसान कर दिया। तो भाई क्या जरूरत थी वो वाटर लेने की? मैंने बोला, मैंने कहा तो रेगुलर बोल सकता था, कोई जवाब है? मैं तो पानी लिया, पानी लिया, मतलब मैं लेफ्ट राइट होती नहीं हूँ और ये देख रही हूँ। एक और रीजन देख रही हूँ मेरी जिंदगी में शांति क्यों नहीं है, अब इस बात पे तो लड़ूंगी ना इससे, अभी रोमांस करके हटी और अब लड़ भी लूं, कोई सेंस बना? दोस्तों जैसे मैंने कैमरा बंद करा, डैडी कहते ठीक है आई मेड अ ब्लंडर, नेक्स्ट टाइम से ऑर्डर नहीं करूंगा, कहता इसकी पोले मैं ही खोलती हूँ, कहता किसी किसी नहीं कहता। दोस्तों मैं बोलने नहीं दे रहा फिर से। दोस्तों डैडी ने फिर से मुझे चुप करा दिया, अरे चुप बोल रही हूँ। He's a dirty boy. इतनी स्पीड में इसने पानी पिया है, मतलब मैंने जस्ट लाइट खोला और कैमरा उठाया है, देख रहे हो, मतलब जैसे चोरी वाला ये
लिए 300 रुपए का पानी पी रहे मतलब मेरा स्पीड थी खोलने की। दोस्तों घर आते ही सबसे पहले क्या करा, ड्यूटी निभा रहे हैं सिम्बा पॉपकॉर्न की बहुत बेचारे पेशेंसली बैठे हुए थे। हाय ये लाइट कितनी अच्छी है, टिक 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 टिक, आते वक्त गुड नाइट यहीं पर करूंगी ठीक है ना मेरी चिम्मी को देखो, डैडी कहाँ है, डैडी पॉपकू के साथ है और मम्मी आपके साथ है। मम्मा जी मिली नहीं, मम्मा जी मिली नहीं, आती वॉकी वॉकी कर ली, चलो 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 चलो। फिर लाइट में आगे कितनी अच्छी लग रही है गुड नाइट कहने का टाइम आ गया। गुड नाइट गाइस, टेक केयर, डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरे सारे नमूने और पॉप की छुप गया गुड नाइट। दोस्तों घर आते ही सबसे पहले मैंने इस बोतल की जगह बनाई है, देखो ये अच्छी लग रही है मेरे सारे कांच की बोतल के साथ। अब 300 रुपए कहीं ना कहीं तो वसूल करना ही है ना फाइनल गुड नाइट बाय, सी यू टुमारो। दोस्तों जब फ्री के स्नैक्स मिलते बड़ा मजा आता है, चीयर्स, हैप्पी बर्थडे। When all is fair, you just say your prayer.